गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ गए सब, जल्दी जल्दी फटाफट पहुंचो। और सॉरी गाइस, वो दस्तानी जहां वाला एपिसोड आज नहीं हो पाया, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन करेंगे उसे आगे। आजकल कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जा रही हैं, पता नहीं, मतलब अनवांटेड चीज़ें हो जा रही हैं। सो गाइस, चलो आप हिस्ट्री वाली अपन अपनी आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट शेयर करो इसे चारों तरफ पहले, बिकॉज सिंधु घाटी सभ्यता का ये तीसरा एपिसोड आज हम करने वाले हैं, दैट्स देयर। सो एक बार मेरे को पहले चेक कर लेने दो, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, जस्ट गिव मी सम टाइम, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, नॉट सम टाइम, ठीक है, इट विल बी ऑल राइट आई गेस। या इट्स ऑल ओके फ्रॉम माई साइड गाइस। सो पहुंचो जल्दी जल्दी, आ जाओ। कहाँ गए सारे, गायब हैं, दिख नहीं रहे अभी, ठीक है, आओ जल्दी जल्दी, मूविंग अहेड। सो यस, आदिति, शिवलीला, पूनम, प्रिया, मनीषा, ऋषिकेश, लाइबा, भावना, सुष्मिता, अभी कहाँ भई हो, सारे के सारे हो कहाँ, जल्दी पहुंचो। सो गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता का ये तीसरा एपिसोड है हमारा, और उसके लिए सॉरी, दास्ताने जहाँ नक्सलिज्म एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा था जिसको लेके आज डिस्कस करना चाह रहे थे, कुछ प्रैक्टिकल बातें, ठीक है। सो वो हो नहीं पाई बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज, होपफुली डेफिनेटली कल या परसों में उसे करेंगे। और एक और बात, जो ऑप्शनल के रिगार्डिंग जो एक मैंने एपिसोड ए टू जेड ऑफ यू पी एस सी प्रिपरेशन, उसमें ऑप्शनल के रिगार्डिंग जो एक मेरे को एपिसोड लेके आना है, ठीक है, उसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनवा दी है, ठीक है। तो जिन लोगों को भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, टॉपिक वाइज चीज़ें चाहिए, तो आप डेफिनेटली उस पर जा सकते हो, ए टू जेड ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन करके है, उसमें सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, एनसीईआरटी के साथ क्या करें, वो आप लोग देख सकते हो जो भी नए लोग हो, ठीक है। सो आज सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा एपिसोड है, लाइट गई। गाइज, लाइट का मुद्दा हो गया। अजीब सी कहानी है यार, मतलब कोई कोई दिन ऐसा होता है, व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। मैं दिख रहा हूँ कि नहीं मेरे को बताना यार, कुसुम सी भी, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं मेरे को बताना जरा, इट्स क्वाइट डार्क। ऐसे भी कंटिन्यू करें क्लास, क्या कहते हो? यस निधि नवोदिता, आप ही बताइए, ठीक है, चौथी बार में देख लिया मैंने आपको, तो कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कहते हो आप लोग? गुड इवनिंग खुशी, तानिया, हरिंदर, सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। आगे लाइट, आगे चलो, लाइट इज देयर, चलो। ऑल राइट, यस कंटिन्यू करते हैं, यस दिख रहे हैं सर आप, और बिल्कुल कंटिन्यू ही रहेगी हमारी चीजें। सो कुसुम, प्रियंका, राहुल खान साहब, एकदम, काजल, प्रिया, सोनाली, शैलू, सब सब बढ़िया, सब बढ़िया। और चलो कहानी को शुरू करते हैं। सो गाइज, सिंधु घाटी सभ्यता के तीसरे एपिसोड की तरफ हम थे। जो भी नए लोग हैं उनको मैं एक बात बता दूं, देयर स्पेशल क्लासेस पे मुझे, मेरी स्पेशल क्लासेस को जरूर, मतलब उस वहाँ पे आया करो, ठीक है। ये कुछ फ्री के रिसोर्सेज है जिसका आप फायदा उठा सकते हो, जैसे यूजिंग माई कोड दैट इज AR101, और प्लस कोर्सेज हमारी काफ़ी अच्छी जा रही हैं। सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, मूविंग अहेड, वी हैव लाइक आई एम टेकिंग हिस्ट्री एंड साइंस क्लासेस। कल की साइंस क्लास के लिए फिर अभी से मैं वार्निंग कर देता हूँ सबको, ठीक है, साइंस क्लासेस डिपेंड करेंगी कि तुम कितना चाहते हो, ये बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी है। और डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेल कि भाई लास्ट क्लास में तुम्हारी प्रेजेंस साइंस क्लास की अच्छी लगी थी मेरे को, सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। मूविंग अहेड, जो भी नए लोग हैं वो अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़े, दैट इज स्टडी विद अभिषेक _ अनअकैडमी, ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पर कम्युनिकेट करें, हम बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपकी दुख दुविधाओं को सुनने की मैं कोशिश करता हूँ, और यथासंभव इन माई मैक्सिमम कैपेसिटीज आई जस्ट ट्राई राइट टू आंसर ऑल दोज थिंग्स।
सो दैट इज माई टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ अभिषेक अंडरस्कोर अन अकेडमी, ठीक है। लिंक जो होगा उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से कनेक्ट करो और कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। रुकना नहीं है गाइस, रुकना इज लाइक नथिंग। और ये डेफिनेटली एक बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कॉम्बो ऑफर है बेसिकली 45% वाला, ठीक है, 45% वाला, उसकी लास्ट डेट आज है, दैट इज 14 जुलाई, ठीक है। सो इसका अगर किसी भी तरीके से किसी को कोई शंका है, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया सर लोन कैसे लेना है मेरे को बताओ, ठीक है। सो रिगार्डिंग ऑल दोज थिंग्स कि भाई ईएमआई फैसिलिटी कैसे अवेल कर सकते हैं या लोन की फैसिलिटी कैसे आपको मिल सकती है, ठीक है, इन मुद्दों पर कहीं भी कोई डाउट है तो अभी भी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, यू कैन टॉक टू मी रिगार्डिंग ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ऐसी फायदे आपको फायदे मिल रहे हैं, ठीक है, तो इनको फिर इसका लाभ नहीं उठाना इज लाइक सम काइंड ऑफ, या तो इससे गैर जिम्मेदाराना हरकत कहिए या फिर इसे लाइक प्रोकेस्टिनेशन कहिए, ठीक है, मतलब टालना मटोलना, दोनों चीज़ें ठीक नहीं है। सो ये मैंने आप लोग को अभी इंटीमेट कर दिया है। सो लेट्स मूव टू सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अंतिम चरण में है। यहाँ पे मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताई थी, ठीक है, दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेजर साइट्स थी, यहाँ पे मैंने तुम्हें कहा था गाइस कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे बड़े अमेजिंग नोट्स तुम लोगों ने बनाए और देख के मेरे को गजब लगा, मतलब ट्रस्ट मी, ठीक है। जिस तरीके के नोट्स इस खास करके इस स्लाइड के तुम लोगों ने बनाए हैं कि भाई कहाँ से क्या मिला है, समझ में आ रही है बात, दैट वॉज लाइक सो अमेजिंग दैट आई कैन नॉट इवन से यू, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, मतलब गजब, माइंड ब्लोइंग जिसे कहते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली वो बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को देखने के बाद, मतलब जिस तरीके का डेडिकेशन जो आप लोग एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन ऐसा तुम्हारी तरफ से आता है, दैट इज अनडाउटेडली अ ग्रेट फील गुड फैक्टर, ठीक है, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट, विजय भव का आशीर्वाद सबके साथ है। सो मूविंग अहेड गाइस, ये सारी मैंने चीज़ें तुम्हें बता दी थी कि भाई कहाँ से क्या मिला है नहीं मिला है, इन सब बहुत सारे डिबेट हुए थे। उसके बाद अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूर संचार व्यवस्था के बारे में जरा बात करते हैं। इनफैक्ट ये भी मैंने थोड़ा सा बताया था भाई, बट यहीं से शुरू करना ठीक रहेगा ये मेरे को लगा। सो दूर संचार व्यवस्था इज लाइक जहाज़ों वगैरह या बातचीत करने की जो पद्धति थी, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में एक बात कही गई है, ठीक है, संचार माध्यम, ठीक है। सो फोन मोबाइल वगैरह का तो टाइम था नहीं, ठीक है, और क्या लिखते पढ़ते थे उसकी हमें जानकारी है नहीं, वो स्क्रिप्ट में मैंने तुम्हें बता दिया था। सो फिर कम्युनिकेशन में बचा क्या रह गया, आना जाना, ठीक है। तो जहाज़ों का और बोट्स वगैरह का इसका प्रमाण हमें मिला हुआ है, ठीक है। द प्रैक्टिस नेविगेशन प्रैक्टिस करते थे, इसका हमें प्रमाण मिला हुआ है बुलक कार्ट से लेकर और अरेबियन सी के माध्यम से, उस समय की मेसोपोटामियन सभ्यताओं से इनके व्यापारिक संपर्क थे, इसका प्रमाण चीख चीख के गुजरात के लोथल वाले उस साइट से जो बंदरगाहों का हमें अवशेष मिला है, ये बात हमें बताती है। तो ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। मोहन जोदड़ो से जो भी कुछ मोहरें मिली हैं उसमें भी जहाज़ों के, ठीक है, प्रमाण हैं, राइट। जो इनलैंड जर्नी थी, मतलब जो जमीनी यात्रा थी, जो जमीनी संचार था उनका, बेसिकली दैट वॉज एब्सोल्यूटली बेस्ड ऑन द बुलक कार्ट, ठीक है, मतलब बैलगाड़ी, समझ रहे हो, इससे ज़्यादा की उम्मीद हम कर भी नहीं सकते हैं जिस टाइम पे हम बेसिकली हैं। आर्ट की दुनिया में आए तो ज्वेलरी मेकिंग से लेकर और बाकी सारी चीज़ों का, ज्वेलरी मेकिंग, क्राफ्ट्स मेकिंग, पॉट मेकिंग, ये सारी चीज़ों की जानकारी इन्हें है, ठीक है, ये सारी चीज़ों की जानकारी इन्हें है। वाई दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द ब्रॉन्ज एज कल्चर, ये बात भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि भाई मेटलर्जिकल नॉलेज भी इन्हें प्राप्त हो चुका है, ठीक है, ओर बनाना भी ये जानते हैं, ब्रॉन्ज बनाया पहला ओर, एंड दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो दिस सिविलाइजेशन इज आल्सो टर्म्स एज द ब्रॉन्ज एज कल्चर, ये ध्यान रखना। लेकिन एक बात मैंने तुम्हें ये बताई थी कि अभी भी वो चीज़ उपस्थित नहीं है जिस पे जो मानव जिंदगी को एक नई परिभाषा देगी, ये बात मैं कह चुका हूँ। तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं लाइक बेक्ड अर्थन क्ले, मिट्टी के पके हुए, ठीक है, ऐसे अवशेष, पके हुआ मिट्टी, हुआ घर में जो गांव में कुम्हार लेके नहीं आता है वो वाली चीज़ें ऐसी मिली हुई हैं हमें। सो फर्नेस, भट्टा, मिट्टी को पकाना, पकी हुई ईंटें, ये सारी चीज़ें जानते हैं, ठीक है। वर्शिप पे मैं आता हूँ, दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट गाइस, रिलीजन वाला एस्पेक्ट, ठीक है, कि भाई रिलीजन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक इस सभ्यता में थी, इस पर मैं तुम्हें आज बहुत अच्छे से कुछ बातें बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। मेटलर्जी का इन्हें ज्ञान हो गया था, दैट आई टोल्ड यू। ज्वेलरी मेड अप ऑफ द सिल्वर, गोल्ड, सेमी प्रेसिस स्टोन्स, जैसे मैंने तुम्हें आप आयात में बताया था कि कौन सी चीज़ें ये कहाँ से आयात करते थे, तो एक स्टोन का नाम मैंने बताया था विच वॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर द ज्वेलरी मेकिंग, दैट इज लापस लजूली,
ये अगर सब तुम्हें याद हो तो ठीक है. सो सेमी प्रेसिस स्टोन्स लाइक कैमेलियन या फिर लैपिस लजूली इन सब का उपयोग ये जानते थे. ये सारी बातें मैं तुम्हें बता चुका हूँ. मूविंग अहेड बर्तनों के बारे में, ठीक है, एक्सपर्ट तो हो ही गए थे. जब ज्वेलरी बनाने लगेंगे तो बर्तन बनाने की कहाँ से समस्या कहीं से उत्पन्न होने वाली है. सो इट वॉज लाइक यूज अ वेल फायर्ड पॉटरी. यहाँ पे देख लो, वेल फायर्ड पॉटरी, ठीक है. पॉटर्स विल मतलब चाक जो नहीं होता है, चाक, वो चाक जो होता है घुमाने वाला, ठीक है, उसका भी एब्सोल्यूट मतलब बहुत परफेक्ट यूज, ठीक है, ये जान चुके थे. ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं. एंड देयर पॉटरीज हैव अ डीप रेड स्लिप एंड ब्लैक पेंटिंग्स, ठीक है, मतलब लाल रंग का उपयोग, काले रंग का उपयोग, ग्लेजिंग, पॉलिशिंग, ये सारी बातें जानते थे. इन सबको ऐसे दिमाग में रखना है, तभी ना आंसर्स ढूंढ पाओगे क्वेश्चंस के अंदर, ना सही और गलत स्टेटमेंट्स को ढूंढ पाओगे. दैट व्हाट आई एम टेलिंग. सो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रह जाता है गाइस, वो रिलीजन का रह जाता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का रह जाता है. ये रह जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अचानक गई कहाँ, ऐसी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ. सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड गेट सेट गो. सब लोग पहुँच गए हो कि नहीं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है. मैं कहाँ हो यार, सारे लोग गायब क्यों हो, अभी तक किसी को जानकारी नहीं मिली है क्या? रंजीता, सुष्मिता, नीलिमा, मंदीप, प्रियंका चौहान साहब, आदिति, सिद्दीकी साहब, ठीक है, ओम प्रिया, प्रज्ञा, कीवी, सुष्मिता, नेहा, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, निहालिका, अक्की, मंदीप, चलो बाकी लोग कहाँ है भाई, मतलब ख़त्म कहानी क्या, एंशिएंट इंडिया ख़त्म, पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई क्या, क्या है कोई और क्लास व्लास चल रही है, व्हाट इज़ द सिचुएशन, क्या दिक्कत है? I'm unable to understand what is the situation. Yes, Javed Sahab, good evening. Diksha, abhi tak aa hi rahe ho, matlab shaver kar diye charo taraf. Kainat, walaikum salam, Kainat Mirza Sahab, Mahima, hello Dr. Sahab, yes, Siddiqui, kaise ho? Akki, Olek, theek hai. Javed, tech in fact, good evening. Muzammil, walaikum salam, Siddiqui Sahab, aapko bhi walaikum salam. Kusum, वेरी एक्साइटेड सर कि कहाँ गई सिविलाइजेशन. यस कुसुम, अभी बहुत कुछ पता चलेगा. हाउ आर यू, बिल्कुल आकाश सही हूँ, जल्दी जल्दी आ जाओ यार. मोनिका, तुम अभी तक आ ही रही हो. आकाश, रिदम, मधु, संधू साहब दिख गए, इतने दिनों बाद संधू साहब दिखे हो तुम, कहाँ हो तुम, पंजाब को सजाने संवारने में लगे हो क्या, इस तरीके से पढ़ाई चलेगी? व्हाट इज़ द सिचुएशन? सूर्य नारायण साहब, मधु, यस यस यस, मतलब हो कहाँ, सब कहाँ हो, मैं ये देखना चाहता हूँ. लेट मी नो द आंसर, ऐसा क्यों होता है? और तुम ये मान के चलते हो कि यूट्यूब पे ही तुम विद्वान बनने वाले हो. यस संजना गुड इवनिंग, शीनू गुड इवनिंग, शफाक गुड इवनिंग, नीलिका, नीलिमा गुड इवनिंग, एकता यस हेलो, मतलब जस्ट गिव मी सम आंसर. आज आपने मेरा नाम नहीं लिया, बॉबी लिया यार, रुक जाओ, ठीक है, अभी अभी कुछ बातें कर रहा हूँ मैं. अनमता वालेकुम सलाम, नाइस टू सी यू, गीतू, विपिन, शफाक, अविनाश, कुछ जवाब दो ना, मतलब मेरे को बताओ, एकदम सही हूँ मैं, ठीक है. प्रिया हाउ आर यू, सारथी, एकदम सारथी सही है, बट सारथी के साथ चलने वाले लोग ही अजीब से होने लग रहे हैं, मतलब उनका कोई कुछ कुछ एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है. अचानक से लोग फिर मेरे को गायब दिख रहे हैं, क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है, आ जाओ जल्दी से भाई. यस पाटिल, कविता, मेघना, जल्दी 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 जल्दी, शफाक गुड इवनिंग, तो क्या बात क्या हो जाती है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है, ठीक है. अभी कोई क्लास व्लास चल रही थी या व्हाट वाज द सिचुएशन आई डोंट नो, बट मतलब वो कंटिन्यूटी, वो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं दिखती है. फुरकान साहब वालेकुम सलाम, प्रशांत राइट, हरेश, हरेश कैसे हो भाई, तुम भी अचानक से ईद की चांद की तरह दिख गए, ठीक है. देन यू हैव दिस मस्तानी, चिन्मया, महिमा, सॉरी कुछ नहीं, अब बढ़िया है सर, आप बताओ. हाँ महिमा जी, आइए आइए, चाय बना के रखा है आपके लिए, अभी आइए आप आराम से, 9:15 में आती हैं, अभी क्यों आ गई, ठीक है. एकता, प्रशांत, दिव्य, आदिति, प्रियंका इज़ नॉट विजिबल टू मी, चलो. कहाँ रहते हो सब, मतलब यार तुम लोगों की पढ़ाई का कोई मतलब है कि नहीं मतलब है, ऐसी हवाबाजी में क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो भाई, मतलब मेरे को कुछ नहीं मिलना. अगर तुम कल होके IPS और IAS बनते हो ना, उससे मुझे कुछ नहीं होना, लेकिन मतलब कोई तरीका तो समझ में आए ना, कुछ दिखे ना कि हाँ भाई ऐसे ही तुम लोग को यही दिमाग में रहता है कि YouTube पे ही दुनिया जहान, जो है वो तो हो नहीं रहा तुमसे,
दो चार एंशियंट इंडिया की क्लासेस का हुई तो मैं अचानक से फिर लग गया, अरे बाप रे क्या हो गया, ओ माय गॉड। ठीक है चलो खैर, जिस तरीके से पढ़ना है पढ़ो यार, बाकी मतलब शुरू शुरू में सब कुछ बहुत ठीक लगता है, जैसी चीज़ें आगे बढ़ती हैं तुम अपनी फितरत दिखाने नहीं छोड़ते। और उसके बाद ठीक है, मैं ये सब सवाल फिर से जो मेरे को लगता था कि शायद मैं अब मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, फिर से मुझे उन्हीं सवालों पर आना पड़ता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, दिक्कत क्या है, कुछ तो पता चले ना। सॉरी फॉर लेट, ये देखिए हर्षराज, सॉरी फॉर लेट तुमने कह के कहानी खत्म कर दी। ठीक है, खिचड़ी डाल रहा था, अच्छी बात है, नहीं खाते, क्लास के बाद खा लेते तो क्या हो जाता, किडनी का आकार छोटा हो जाता क्या। ठीक है, कीवी सर, जिनके अंडर का मोटिवेशन लूज है वो नहीं आते। अबे छोड़ो ना, हरेंद्र दिख गए, कायनात दिख गई, ठीक है मनदीप दिख गया, ठीक है ना, जिनको जिनकी मोटिवेशन ऐसी है ना कि उनको रह रहे के हर 10 मिनट के अंदर कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो पहले ना बड़े हो जाएं आकार में, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे, बाकी उनका। लेकिन फिर भी जो हो वो तो दिखो यार, अजीब हालत है मतलब। ठीक है, पता नहीं कहाँ कैसे किस तरीके से पढ़ाई, ये पढ़ाई करोगे और तुम उम्मीद करोगे कि तुम सिविल सर्वेंट बन जाओगे, तो कितना बड़ा मजाक कर रहे हो तुम लोग तुम अपने साथ, ये तुम्हें पता है कि नहीं। ठीक है ध्यान रखो। एनीवेज, सो मूविंग टू द रिलीजियस एस्पेक्ट, कि भाई क्या होता था उस समय, धर्म भगवान नाम की कैसी कोई चीज़ थी कि नहीं, उस पर आ जाओ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो जल्दी से इसका ना स्क्रीनशॉट लिया जाए, मैं स्क्रीन से दूर हूँ, इसका मतलब स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब है ठीक है कि भाई इसके उसी तरीके से नोट्स बनाना जिस तरीके के पिछले वाले स्लाइड के तुमने बनाए थे। ठीक है, सो आई होप दैट वुड हैव बीन टेकन। देखो, रिलीजन का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म का अस्तित्व क्या था, इसके बारे में बहुत जानकारी तो नहीं है। इतना तो हमें डेफिनेटली पता है कि मंदिर जैसी कोई चीज़ नहीं थी, मूर्तियों जैसी कोई चीज़ नहीं थी, भगवान जैसा कोई अवशेष हमें नहीं मिला है, लेकिन छिटपुट ऐसी चीज़ें ज़रूर मिली हैं जिससे कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर जानते थे या करते थे। जैसे भगवान की हम बात करें, ठीक है, जैसे गॉड की बात करें, मेल डीटी की बात करें, तो ऐसे हमें अवशेष मिले हैं लाइक दैट ऑफ द लॉर्ड पशुपति या प्रोटो शिवा जिन्हें कहते हैं। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, जैसे हाँ, वर्शिप ऑफ पशुपति, ये चीज देखो, पशुपति वॉज द मेल डीटी, जो नर देवता है, ठीक है, जिनमें तीन सिंह हुआ करती थी, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। थ्री फेस्ड मेल गॉड, हिंदी वाले फिर तबाह मत होना, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है नाम के अलावा और छोटे छोटे शब्दों के अलावा, ठीक है। सो हल्ला हंगामा नहीं, बिना चीज़ों को समझे हुए, एंड नो वन कैन क्लेम हेयर कि मैं हिंदी नहीं बताता, इंग्लिश नहीं बताता, समझ में आ रही है बात। सो थ्री फेस्ड मेल गॉड की तस्वीर यहाँ से मिली, अवशेष मिले हैं। योगिक पोस्चर में वो बैठे हुए हैं, सराउंडेड बाई टू डियर एट हिज फीट, पैरों के पास दो हिरन, एलिफेंट एंड अ टाइगर ऑन द लेफ्ट, हाथी और बाघ बाएं साइड में, राइनो दैट इज गेंडा एंड बफेलो इन द राइट। एज इट इज, ये सब याद रखना होता है, ये सब वो इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें कभी अपनी लाल पीली किताबों से मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा तो ये सब क्वेश्चन बनेगा नहीं, समझ में आ रही है बात। सो ये जो मेल मेल गॉड है नर, इनकी इनकी खुदाई के दौरान इनके अवशेष, टेराकोटा इमेजेस बहुत सारे मिले हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फीमेल डीटी की हम बात करें तो मदर गॉडेस है, मदर गॉडेस है मतलब, ठीक है, टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ सेमी न्यूड फिगर्स आइडेंटिफाइड विद द शक्ति और मदर गॉडेस, ठीक है। अर्थ और मदर गॉडेस मतलब पृथ्वी की पूजा विद अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हर वूम, ठीक है, वूम मतलब पेट वाला हिस्सा, गर्भाशय वाला हिस्सा, कि भाई मदर गॉडेस जैसी कुछ प्रतिमाएं मिली हैं जिनके पेट से प्लांट उगता हुआ दिख रहा है, समथिंग लाइक दैट दे आर पोर्ट्रेइंग दिस फीमेल या नर की पूजा, नारी पूजा, ठीक है, पृथ्वी की पूजा, उसको जननी मानते हुए पूजा करते हुए अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, सो उन्हें मदर गॉडेस की संज्ञा दी जाती है। फिर जो मेल डीटी हैं उनको पशुपति या प्रोटोशिवा, प्रोटोशिवा समझ रहे हो ना, लाइक शिव के समान, प्रोटोशिवा या महादेव का नाम दिया गया है। वर्शिप ऑफ ट्रीज, पेड़ पौधों की पूजा करने के प्रमाण मिले हैं, जैसे पीपल ट्री, अभी भी लगभग 3/4 भारत में पीपल की पूजा होती है, शादी वादी के समय या कुछ और रीति रिवाजों को पूर्ण करने के लिए पीपल का, आम का पूजा होता है। ये सब बातें जो आज भी हमारे सोसाइटी में प्रिवेलेंट हैं, वो बेसिकली हमें क्या बताती हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग हमारे एंसेस्टर्स जरूर रहे हैं, बिकॉज ट्रेडिशंस आज तक वो सर्वाइविंग आपको दिख रहा है,
कि पेड़ पौधों की पूजा, पशुओं की पूजा, आज भी आम की पूजा होती है, 3/4 भारत में नीम की पूजा, आम की पूजा, ये सारी चीज़ें होती हैं, पीपल की पूजा। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बताती हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग हमारे पूर्वज जरूर रहे हैं, तभी वो ट्रेडिशन आज तक फॉलो होता चला आ रहा है। मूविंग टू दैट, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द सील्स विथ पीपल ट्रीज इनग्रेव्ड ऑन देम, उनके ऊपर ही पीपल ट्री उसके ऊपर ही पीपल, मतलब बहुत सारी मोरे ऐसे मिली है जिसके ऊपर पीपल दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल सी बात है, ऐसा क्यों हो सकता है, बिकॉज पीपल डेफिनेटली वुड हैव बीन क्वाइट रिलीजियस फॉर देम और इम्पॉर्टेंट फॉर देम। बहुत बड़ा पेड़ होता है, ऑक्सीजन गिविंग कैपेसिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ठीक है, वो सेंस करते थे, उस चीज का फायदा उन्हें होता था। अदरवाइज मोहरों पे पीपल के बहुत सारे चित्रकारी क्यों मिलेगी, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। वर्शिप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जैसे हम्प्ड बुल, वो कुबड़ वाला जो बैल होता है, बफेलो, टाइगर, बर्ड्स, राइनो, इन सब की पूजा करते थे। मिथिकल एनिमल्स भी कुछ ऐसे पाए गए हैं मोहरों पर, उनकी तस्वीरें, ठीक है, जिनको वो पूजा किया करते थे, लाइक ह्यूमन फिगर विथ अ बुल्स हॉर्न, इंसान की तस्वीर जिसके सिंह है बैल की तरह, ठीक है। मिथिकल क्रिएचर्स, हूप्स एंड टेल्स, 300 चिमेरास, ह्यूमन फेस्ड गोट, ठीक है, एक बकरी जिसकी जिसका चेहरा जो है वो आदमी की तरह, मतलब ऐसे कुछ फैंटास्टिक या हाइपोथेटिकल, ठीक है, क्रिएचर्स को भी शायद वो इमेजिन करते थे या मानते थे। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्रोबेबली समवेयर डाउन द लाइन दे बिलीव्ड इन समथिंग लाइक सुपर मैजिकल या सुपर नेचुरल, मतलब ऐसी चीज, एक बकरी जिसके गर्दन पे आदमी की तस्वीर हो, क्या समझते हो अगर ऐसे मोहरों पे मिलता है बार बार, ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है तुम्हें, कि कुछ ना कुछ वो आदमी से अलग, ठीक है, महसूस करते हैं जिसे वो डिकोडिफाई नहीं कर पाए हैं, समथिंग लाइक दैट। प्रोबेबली समवेयर डाउन द लाइन दे बिलीव्ड इन समथिंग व्हिच इज कॉल्ड सुपरनैचुरल, समझ में आ रही है बात। तो ये सारी बातें हैं। हाँ, नो स्पेशल प्लेस फॉर वर्शिप सच एज टेम्पल, ऐसे मंदिर जैसा कोई प्रमाण, मूर्ति पूजा जैसा कोई प्रमाण, कोई अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार समझ जाओगे ना कि वो इस तरीके का इनका रिलीजियस परसेप्शन था, उसके बाद क्वेश्चन नहीं छूटना है, समझ में आ रही है। बस एक दो नाम याद रखने होते हैं, दैट व्हाट वाज द मेल डीटी विच इज लाइक प्रोटो शिवा, लॉर्ड पशुपति उन्हें कहते थे, या मदर गॉडेस की पूजा किया करते थे, पेड़ पौधों की पूजा किया करते थे, पशुओं की पूजा किया करते थे, कुछ इमेजिनरी, कुछ हाइपोथेटिकल स्टैच्यूज की भी पूजा किया करते थे, समथिंग लाइक दैट। और ये प्रमाण कहाँ से मिलता है, मोहरों पर उनकी तस्वीरों से मिलता है, टेराकोटा इमेजेस से मिलता है। अगर ऐसे मोहरों पर प्रतीक और प्रमाण आपको बार बार तस्वीरें ऐसी मिलती, दैट मीन्स वॉट, कहीं ना कहीं ये चीज उनकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। फेथ इन मैजिक, जादू टोना जैसी चीजों में, चार्म्स, मैजिक, सैक्रिफाइसेस, ऐसी चीजों में भी शायद कहीं ना कहीं वो भरोसा रखते थे, इसका भी प्रमाण मैं तुम्हें बताता हूं। यूज ऑफ द एम्यूलेट्स, तबीज, ऐसे बहुत सारे स्केलेटन्स मिले हैं जिसके हाथों पर तबीज बंधा होता है, यानी बंधा होता, आज भी भारत में बंधा हुआ होता है, आज भी 3/4 भारत में या तो यहाँ पे तबीज बंधा हुआ होता है या तो यहाँ पे तबीज लटका हुआ होता है, समझ में आ रही बात। ये बात अलग है कि हमने उसका परसेप्शन कुछ गलत क्रिएट कर दिया है, ठीक है, और उन ये देने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनकी भी ऑथेंटिसिटी बहुत पुअर है, इसकी वजह से एक कॉमन परसेप्शन जनरेट होता है कि ये चीज़ें गलत होती हैं, बट ऐसा नहीं है, ये हमारा अपना अपनी छोटी सोच है कि हम जो नहीं जानते हैं उसको हम गलत बना देते हैं, और हम साथ साथ ये भी कह रहे होते हैं कि यह ब्रह्मांड अनंत है, साथ साथ ये भी कह रहे होते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड के एक तिनके के बराबर जानकारी हमारे पास नहीं है, अपने आसपास दूर की चीज़ों को अभी भी हम बूंद के बराबर जानने में सफल हो पाए हैं। सो किसी भी चीज़ पर ऐसे क्लेम कर देना कि ये तो गलत है, ठीक है, वो गलत नहीं है, आप गलत हो। किसी चीज़ को नहीं जानना और किसी चीज़ को नहीं जानने की वजह से गलत साबित कर देना, ठीक है, दूसरा वाला अप्रोच तो स्टूपिडिटी है ना, अगर ऐसा आप कहते हो कि मैं नहीं जानता हूं, ठीक है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट तुम कहोगे कि मैं नहीं जानता हूं इसलिए गलत है, अभी ये क्या बेवकूफी है, ये क्या बेहूदापनी है। आज 9 ग्रह की बातें तुम करते हो, आज तुम कॉन्स्टेलेशन की बातें करते हो, वैदिक साहित्य में आने दो मेरे को, वेदा, नेक्स्ट क्लास से आर्यंस, वैदिक सभ्यता की पढ़ाई शुरू होगी, आज सिंधु घाटी सभ्यता खत्म ही हो जाएगा, तो मन करे तो तुम लोग उस क्लास में आना अगर तुम लोगों को लगता है कि वो जरूरी है, नहीं तो जिस तरीके से पढ़ाई करते रहते हो उस तरीके से पढ़ाई करते रहना। तो वैदिक साहित्य में मैं बताऊंगा कि वेदों का जो स्मृति साहित्य है,
ठीक है, दैट इज बेसिकली वेदांग, उसका एक एलिमेंट है। उस वेदांग का एक हिस्सा वैदिक ज्योतिष शास्त्र भी है। उस ज्योतिष शास्त्र जिसकी रचना तकरीबन आज से 2500-2600 वर्षों पहले की गई है, मैं प्रूफ कर दूंगा इस क्लास के अंदर, दो मिनट के अंदर, इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है, कि उन लोगों को उतनी ज्योग्राफी या हमसे, उन लोगों को हमसे ज्यादा ज्योग्राफी की जानकारी थी। मतलब प्लैनेट से लेकर कॉन्स्टिलेशन तक, उनके मोशन से लेकर, उनके मोशन में चेंज तक, रोटेशन से लेकर रिवॉल्यूशन तक, उनके मूवमेंट तक, कॉन्स्टेलेशन से लेकर स्टार तक, प्लैनेट से लेकर सैटेलाइट तक, दे न्यू एवरीथिंग। आज हम मंगल ग्रह पे पहुंच पाने में असफल हो जाते हैं, ठीक है, वहां के उन साधु मुनियों ने मंगल ग्रह की गति के बारे में सब कुछ एक्यूरेट बताया है। ये बताया है कि भाई मंगल ग्रह की गति आपके जीवन पर कैसे प्रभाव डाल सकती है। मैं कहता हूं एक सिंपल सी बात, मजाक तुम्हें लगता है, मजाक तुम्हें इसलिए लगता है बिकॉज तुम छोटे हो, तुम खुद मजाक अपना बनने दे रहे हो। मैं एक बात कहता हूं सिंपल सी कि ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। सूर्य से एक रोशनी निकलती है जिसे आप लाइट एनर्जी कहते हो और उसकी वजह से धरती पर जीवन संभव होता है। एक मेरे को बात बताओ, आइंस्टीन साहब कह के गए कि एनर्जी और मास सेम चीजें होती हैं, मतलब जो द्रव्यमान होता है वही ऊर्जा होता है, मतलब हम आप सब कुछ ऊर्जा का ही स्वरूप है। सो अगर एक पिंड हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है तो सूर्य तो फिर भी बहुत दूर है, उसके अगल बगल में 9 प्लैनेट्स जो कि ऊर्जा का अलग अलग रूप है, वो हमारी जिंदगी को प्रभावित क्यों नहीं कर सकते हैं? तुम ये बोलो ना कि तुम्हें नहीं पता है कि मंगल शुक्र बुध बृहस्पति इनसे जो ऊर्जाएं निकल रही हैं उसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। तुम ये क्यों कहते हो कि एस्ट्रोलॉजी फेक है? कोई नहीं कहता, एक्चुअली जो जानते हैं वो ये बात समझा नहीं पा रहे हैं और उनकी संख्या बहुत कम है और बाकी 95% लोग बेसिकली बेवकूफ बना रहे हैं इन मुद्दों को लेके, कभी आपकी मासूमियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी अपनी अज्ञानता का मजाक बना रहे हैं। अब अपनी अज्ञानता के साथ तो वो खिलवाड़ कर ही रहे हैं। सो मैं प्रूफ कर दूंगा 2 से 3 मिनट के अंदर कि वैदिक साहित्य के वेदांग का जो स्मृति साहित्य का हिस्सा था उसमें ज्योतिष शास्त्र, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी थी, ठीक है, उनकी ज्योग्राफी और उनकी भूगोल का ज्ञान आज के हमारे भूगोल के ज्ञान से हजारों गुना बड़ा था। आई विल प्रूव दैट इनसाइड द क्लास एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस सिंपल प्रोपोजिशन दैट प्रोबेबली समवेयर डाउन द लाइन वो लोग, वो साधु, वो संत जिन्होंने उन वैदिक साहित्यों की रचना की है, वो ज्ञान और बौद्धिक शक्ति में, इंटेलेक्चुअलिटी में हमसे बहुत आगे थे। कहने का मतलब मेरी वही सिंपल सी बात कि वहां से लेकर आज तक का जो हमारा सफर रहा है उसमें हमारी जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो डिक्रीज हुई है। भले ही उसका रूप जरूर बदला है लेकिन उसकी क्षमता सिर्फ और सिर्फ कमजोर हुई है। लेट मी टीच यू द वैदिक साहित्य, आई विल प्रूव दैट इनसाइड द क्लास एंड आई विल बी ऑनलाइन बिफोर ऑल ऑफ यू गाइस। कोई काट सकता है तो काट के दिखा देगा, दिस इज एन ओपन चैलेंज, ठीक है। एनीवेज, यस सर, नीलिमा नीलिमा हरिंद्र, एब्सोल्यूटली सर, दैट व्हाट आई एम टेलिंग, राइट। Anyways, moving ahead, guys. So magic में amulets वगैरह तबीज थी तो इसका मतलब कि किसी black magic जैसी चीज में वो भरोसा रखते थे। Fire altars के भी अवशेष मिले हैं, ठीक है, हवन कुंड जिसे कहते हैं। तो somewhere down the line that proves what? That probably sacrificial, जो sacrifices में भी भरोसा करते थे, दान वान नहीं होता किसी की बलि वगैरह देना, ठीक है, बलि प्रथा एंड ऑल। सो फायर altars, ठीक है, हवन कुंड, ऐसे भी अवशेष, इसके भी हमें प्रमाण मिले हैं। सो इन बातों से क्या समझ में आता है, ठीक है, ऐसे भी मोहरें मिली हैं जिसमें मेल एंड वुमेन परफॉर्मेंसेज ऑफ सेक्रीफाइस शो कर रहे हैं, ठीक है। बलि प्रथा, समवेयर डाउन द लाइन ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि बलि प्रथा जैसी चीजों में, ठीक है, शायद उनका भरोसा था। एम्यूलेट्स क्या बताता है? सुपर नेचुरल कैपेसिटीज, उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स को शायद वो परसीव करते थे या उनमें भरोसा रखते थे, ठीक है। हाइपोथेटिकल इमेजेस की पूजा करना, हाइपोथेटिकल इमेजेस की पूजा करना मतलब वही कि बकरी जिसके जिसका मानव मुख है, ऐसी बातों से क्या पता चलता है कि भाई सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में, ठीक है, उनकी आस्था थी, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। एनीवेज, ब्यूरियल्स किस प्रकार का, मतलब जो क्रीमेशन राइट्स होते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अनटाइडी सा हो गया है। ब्यूरियल्स मतलब जो दाह संस्कार की प्रथाएं हैं
उसमें हर प्रकार के अवशेष मिले हैं. सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ब्यूरियल्स, अ पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल स्केलेटन्स हैव बीन डिस्कवर्ड टुगेदर एट लोथल. मतलब कि हो सकता है वो एक साथ मर गए हों, अब मेल और फीमेल एक साथ मर गए हों तो एक साथ दफना दिया गया, ठीक है. और ऐसे भी प्रमाण हमें मिले हैं, ठीक है. मेगालिथिक ब्यूरियल्स वेयर फाउंड एट सुरकुतदा एंड धोलावीरा. मेगालिथिक ब्यूरियल्स क्या है तुम समझते हो? मेगालिथिक वही कि भाई वो कब्रगाह जिसके ऊपर बड़े बड़े चट्टानों से इमारत जैसा कुछ बना देते थे. मेगालिथिक कल्चर ऑफ द साउथ, मैंने बताया था तुम्हें जब स्टोनिज्म पढ़ रहे थे, ठीक है. अर्थन पॉट्स एंड अर्न्स विद ऑर्नामेंट्स एंड फूड ग्रेन्स वेयर ऑल्सो ब्यूरिड विद द डेड, ठीक है. मतलब बर्तन वगैरह, खाने पीने की वस्तुएं, ज्वेलरी वगैरह, बहुत सारी ऐसी कब्रगाह या क्या कहते हो आप, कब्र से ऐसी चीजें भी दिखी हैं कि बर्तनों के साथ स्केलेटन मिला है. तो ऐसी चीजों का मतलब क्या है कि शायद समवेयर डाउन द लाइन वो री इनकारनेशन वाला कंसेप्ट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहा होगा कि भाई अपने चीजों के साथ जा रहे हो, फिर से वापस अपनी चीजों के पास आना, समथिंग लाइक दैट. देखो ऐसे लॉजिकली कंक्लूजन ही हम निकाल सकते हैं. जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज है, जो पुरातात्विक अवशेष हैं, जो चीजें जब मिलती हैं ना तो उस पर हम एक तार्किक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं. बिकॉज सिंधु घाटी सभ्यता के समय किसी भी प्रकार का हमें साहित्यिक अवशेष तो मतलब उस समय के लिटररी एविडेंसेस तो है नहीं. सो ऑल दैट वी कैन डू, मतलब अगर एक लाश के बगल में, ठीक है, बर्तन, ज्वेलरी, ठीक है, ऐसी कुछ चीजें रखी हुई मिलती हैं तो मैक्सिमम तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो? एक कंक्लूजन ये भी निकालने की कोशिश की जा सकती है कि शायद ऐसी बात हो सकती है कि भाई अपनी चीजों के साथ तुम मरे हो, अपनी चीजों के साथ तुम आ जाना, फिर से यहाँ पे आ जाना. मतलब प्रोबेबली समवेयर डाउन द लाइन दे बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ री इनकारनेशन, ऑल्सो पुनर्जन्म की बातों में भी शायद यकीन रखते थे, ऐसा ही कह सकते हैं आप. ये मत कहना नहीं नहीं मेरे को पता है. कैसे पता है बताओ मेरे को, कैसे पता है? समझ में आ रही है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बिलीव इन आफ्टर लाइफ, वही मैं कह रहा हूं. देखो आफ्टर लाइफ समझना, इन चीजों को कोशिश करना एक परिपक्व तर्क के साथ, ठीक है, इन चीजों को अपने दिमाग में रखना, बचकाना हरकतें मत करना, ठीक है. जैसे क्लास में अटेंडेंस के समय तुम्हारी देखने को मिल जाती हैं, ओ माय गॉड एंशियंट इंडिया, दिस इज वेरी क्लोज टू मी, दिस इज वेरी क्लोज टू मी, दिस दैट दुनिया जान, चार पांच क्लास होगी, सारा प्यार मोहब्बत खत्म, एकदम उसी अवशेष की तरह तुम भी दिखने लगते हो, ठीक है. और दिल तो पता नहीं कितनी बार और कैसे तोड़ते हो, क्या ही बताऊं मैं. समझ में आ रही है बात? सो बिलीफ इन आफ्टर लाइफ के बारे में अगर कुछ कंक्लूड करना चाहें हम, जैसे डिस्पोजल ऑफ देयर डेड अर्थन ब्यूरियल्स बाय द क्रीमेशन आफ्टर फ्रैक्शनल ब्यूरियल्स, ठीक है. डेड बॉडीज बरीड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद पॉटरी ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज, प्रिजर्व्ड द एशेज ऑफ द बॉडीज इन क्ले अर्न्स इन हड़प्पन कॉफिन्स कंटेनिंग बॉटल्स हैव बीन फाउंड. ये क्या है? वही चीजें हैं कि बर्तनों के साथ, ज्वेलरीज के साथ, ठीक है, शव को अवशेष मिलना, ये सब क्या है? अच्छा यहाँ पे एक बात देखी गई है, देखो एक और चीज देखी गई है. डिस्पोजल ऑफ देयर डेड आइदर बाय ब्यूरियल और बाय क्रीमेशन और बाय फ्रैक्शनल ब्यूरियल्स, ठीक है. ऐसी भी देखा गया है, मतलब जो क्रीमेशन है, जो अंतिम संस्कार के नियम कानून है, उसमें ब्यूरियल्स भी अलग अलग तरीके से देखे गए हैं कि दफनाए जाने के भी प्रमाण हैं, जलाए जाने के, क्रीमेशन के भी प्रमाण हैं और फ्रैक्शनल ब्यूरियल्स के भी प्रमाण हैं. फ्रैक्शनल ब्यूरियल्स का मतलब क्या है? वही पर्शियन कल्चर जो आज भी जीवित है कि भाई अगर मरा हुआ शरीर है तो वो भी किसी के काम आ जाए, तो वो क्या करते हैं, पारसी क्या करते हैं वो, ठीक है, उनका एक डेथ ऑफ वेल होता है, एक जगह होती है जहाँ पे डेड बॉडी को छोड़ दिया जाता है, नॉर्मल जो कम्युनिटी लाइफ है उससे बहुत दूर, ठीक है, वहाँ पे एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह उसे खा जाती हैं, फिर जो अवशेष हड्डियों के रूप में बचता है उसको वो दफना दिया जाता है. पारसी जो पोस्ट ब्यूरियल जो ब्यूरियल प्रोसेस है वो ऐसा ही है, जो क्रीमेशन, जो पोस्ट डेथ जो राइट्स, जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसी होती है उनके दफनाने की परंपरा पारसीज में, ठीक है. सो ऐसा वो क्यों कहते हैं? ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि मरा शरीर भी कभी किसी के काम आ जाए, किसी का पेट भर सके, तो ठीक है, उनका तर्क भी सही है. लेकिन तुम कहते हो कि नहीं मैं जलाता हूँ, तुम कहते हो मैं दफनाता हूँ, तुम कहते हो नहीं मैं कॉफिन बॉक्स में रख के दफनाता हूँ, यही सबसे अच्छा है. ये बेसिकली आर्गूमेंट बहुत गलत है. कल्चर्स के अपने अपने तौर तरीके हैं, ठीक है, तुम्हारा तुम्हारे लिए अच्छा है, उसका उसके लिए अच्छा है. तुम लाठी लेके ये क्यों खड़े हो जाते हो दोनाली यहाँ पे दिमाग में, बंदूक किसी के खोपड़ी में लगा के, नहीं मैं जलाता हूं मैं दफनाता हूं, यही अच्छा है. अबे क्यों अच्छा है? व्हाट द हेल इज गुड इन योर्स एंड व्हाट द हेल इज गुड इन बैड इन दैट?
मतलब एक मरा शरीर है, उसको किसी तरीके से खत्म करना है, अपने अपने तौर तरीके हैं, तो मेरा अच्छा है, तुम्हारा बुरा है, मेरा अच्छा है, why this hell, why this bloody conflict? कल्चर में ऐसी चीज होनी चाहिए कि भाई जिसका जैसे जो भी है ठीक है उसको फॉलो करो. वाई दिस सेंस ऑफ द इंफेरियोरिटी एंड सुपेरियोरिटी? दिस इज द ब्लडी रीजन ऑफ एवरी कंफ्लिक्ट दैट वी हैव इन द सोसाइटी, बी इट द टू पर्संस और बी इट द टू कम्युनिटी और बी इट द टू रिलीजन. चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे दो धर्म हो, चाहे दो समुदाय हो, लड़ाई का सबसे पहला कारण यही होता है कि मैं अच्छा तुम अच्छा, मैं नहीं मैं अच्छा. अबे क्यों, वाई द हेल? तुम्हारे जो प्रोसेसेस हैं, तुम्हारे जो कल्चर से उसको तुम फॉलो करो ना. बेहतर बात तो, बेहतर अप्रोच तो ये होता कि उसका जो भी अच्छा है उसको तुम अप्रिशिएट करो, तुम्हारा जो भी अच्छा है तुम अप्रिशिएट करो. बात समझ में आ रही है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो हर तरीके का ब्यूरियल्स के भी प्रमाण मिले हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलीजियस लाइफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. मतलब धर्म का किसी तरीके का प्रमाण नहीं है ठीक है. जाति, भेद भाव, रंग रूप, भगवान के नाम पे दो प्रकार की चीजें हमारे पास हैं. सुपर नेचुरल पावर्स में इनका भरोसा शायद था ठीक है. रीबर्थ में शायद यकीन ये करते थे. और इन सारी चीजों को लॉजिकली मैंने तुम्हारे सामने ला के रखा कि प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दिस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऐसी बातों को कंक्लूड हम कर सकते हैं ठीक है. तो एक बात बताओ, ये जो धार्मिक दृष्टिकोण है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार ओके की रिपोर्ट दे दो तो फिर आगे बढ़ते हैं. सर गॉड भी अलग अलग बना दिया. अच्छा गॉड वाले मुद्दे पे अभी ज्यादा मत जाओ, मेरे को पहले ना वैदिक साहित्य पे आने दो. वेदों के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ा देते हैं. मेरे को पढ़ाने दो फिर मैं बताता हूँ तुम लोगों को. सुष्मिता, कैन कस्टम्स हैविंग दोज क्वालिटीज विच आर वेरी प्रिवेलेंट नाउअडेज, आई मीन सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कस्टम्स विच आर नॉट इम्पैक्टिंग एनी मोर? डॉक्टर साहब जस्ट आई एम आस्किंग सर. क्या सुष्मिता क्या पूछ रही हो? कैन कस्टम्स हैविंग दोज क्वालिटीज विच आर वेरी प्रिवेलेंट नाउअडेज, आई मीन सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कस्टम्स विच आर नॉट इम्पैक्टिंग? सुष्मिता तुम्हारे लाइन्स ही कंप्लीट नहीं है. अब डोंट वरी, टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा तुम्हें ठीक है. ओके की रिपोर्ट है. यस, इंडियन व्लॉग्स 2021 के लिए हैं ये क्लासेस. लेकिन अब एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि अब एंशियंट खत्म होने वाला है, खत्म मतलब एंशियंट शुरू हुआ, इसके बाद मेडिवल बचा हुआ है. तो 2021 में एग्जाम देना है तो इससे पहले ना 50 वीडियो मॉडर्न की भी है, वो भी देख लेना ठीक है. क्योंकि 17-18 क्वेश्चन तो हिस्ट्री के कोई रोक नहीं सकता ना पीटी में, तो वो भी देख लीजिएगा आप ठीक है. ऑल राइट गाइज, आगे बढ़ते हैं ठीक है. रिलीजन के आगे जब तुम बढ़ोगे तो उसके बाद मोहरों के बारे में सब कुछ लगभग तुम्हें पता है. इसके बारे में कुछ बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं मुझे ठीक है. ठीक है, स्टीलाइट से ज्यादा बनते थे. स्टीलाइट एक प्रकार की चट्टान थी, पशुपति शील मिली हुई है. पशुपति समझ रहे हो ना, लॉर्ड पशुपति या प्रोटो शिवा या महादेव, वही मदर गॉडेस मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है. अब कहाँ से क्या मिला हुआ है यह सब कुछ मैं बता चुका हूँ पीछे बहुत सारे चार्ट्स में ठीक है. राइटिंग्स के बारे में खरोष्टी स्क्रिप्ट, जो इसकी मोहरों को हम, जो इसकी लैंग्वेज को हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं, उस पर चर्चा लास्ट क्लास में हुई थी. लेकिन दैट इज क्लोज टू द खरोष्टी स्क्रिप्ट. और ये खरोष्टी स्क्रिप्ट भारत में कहाँ से आया है इस पर आगे तुम्हें समझ में आएगा जब व्हेन आई विल टॉक अबाउट द ईरानियन इम्पैक्ट ऑन इंडिया ठीक है. अभी इतना समझ लो कि अरबिक जो उर्दू भाषा है उसकी लिपि को खरोष्टी कहा जाता है. तो ऐसा क्यों कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को, ये बात मैं कल डिस्कस कर चुका हूं. वही बाउस्ट्रोफेडोन, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये सारी बातें क्लियर है ठीक है. ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसको क्यों कहा जाता है, ये बात भी बार बार मैं चीख चीख के बता चुका हूं. ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? जस्ट बिकॉज दे न्यू द मेटालॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ क्रिएटिंग द ब्रॉन्ज ठीक है ना, जानते थे वो ठीक है. दैट इज कॉपर प्लस टिन, तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है इसे ठीक है. कॉपर ब्रॉन्ज टूल्स वगैरह देख लो, तुम्हारे सामने है कॉपर ब्रॉन्ज टूल्स वगैरह बनाना वो जानते थे. दैट्स वाई दे आर रेफर्ड टू एज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. देन रोहरी चार्ट, देखो ये सब चीजें ना ध्यान रखना, ये सब वो स्टेटमेंट होते हैं ना जो बड़े रेयर होते हैं और तुम पढ़ नहीं पाते हो, एग्जाम में आ जाएगा ना, छोड़ के आ जाओगे. रोहरी चार्ट, चार्ट एक प्रकार का ना लाइमस्टोन होता है.
और रोहरी जो ये लिखा हुआ है ना, रोहरी हिल्स पाकिस्तान, सिंध वाला जो क्षेत्र है वहां पे एक पहाड़ी का नाम है, ठीक है, रोहरी हिल्स। अगर तुम्हें पता है कि पाकिस्तान की दो पर्वतमालाओं का नाम जो प्रमुख है वहां पे, दैट इज सुलेमान एंड किरथर, ठीक है। सो सुलेमान पर्वतमाला, ठीक है, उसका हिस्सा रोहरी हिल्स, या सुलेमान नहीं भी याद है छोड़ो, पाकिस्तान की एक पर्वतमाला मतलब पहाड़ी कह लो, माउंटेन रेंज, देखो पर्वत श्रृंखला एक जाइजेंटिक चेन ऑफ पीक्स को कहते हैं। हिल्स क्या होता है, हिल्स मतलब पहाड़ी, छोटी जो होती है, चोटियों का समूह दोनों होती है, लेकिन माउंटेन रेंजेस और हिल्स में क्या अंतर है, हाइट का, वास्टनेस का, कि भाई पहाड़ियां जो है उनको छोटा माना जाता है, जैसे गारो खासी जैंतिया हिल्स, लेकिन हिमालय इज व्हाट, अ माउंटेन रेंज, समझ में आई बात क्या अंतर है। सो रोहरी हिल्स इज नथिंग बट अ हिल इन द पाकिस्तान रीजन जो लाइम स्टोन्स के लिए बहुत जाना जाता है, चूना पत्थर, लाइम स्टोन के लिए बहुत जाना जाता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, अगर तुम्हें पता है तो, और ये भी पता है कि यही मेटामॉर्फोसाइज होके मार्बल बनता है, ठीक है। सो ये सारी बातें तो कॉमन बातें हैं। ये जो रोहरी चार्ट जो है ना, रोहरी वो पर्वत का नाम है पाकिस्तान वाला, रोहरी हिल्स, ठीक है। चार्ट बेसिकली एक प्रकार का लाइम स्टोन होता है, बहुत हार्ड लाइम स्टोन, वेरी क्लोज टू मार्बल एंड एज स्ट्रॉन्ग एज दैट ऑफ द मार्बल। सो इसका यूज करके, ठीक है, फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंटरी रॉक was found in the regions of the Rohri in Pakistan. It was used by the Harappans for making stone blades and tools. समझ गए ना? इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था कि chert जो ये चट्टान limestone का होता है, limestone basically metamorphosis जब उसका होता है, वही marble बनता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। So chert is very hard type of stone. Chert वही चट्टान है, Rohri मतलब वो पर hill जो पाकिस्तान वाला है। तो Rohri chert सिंधु घाटी सभ्यता UPSC ने 2-3 बार ये question पूछा है। और अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि अभी जब ये मैंने नाम दिखाया तो तुमने ये नाम कभी सुना था, अगर ईमानदार होगे तो बोलोगे हाँ नहीं सर नहीं सुना था। और सिंधु घाटी सभ्यता मैंने भी तुम्हें 3 क्लास में पढ़ाई है, आई कैन चैलेंज, ठीक है, दैट इसका 50% ऑफ द कंटेंट और जो इससे सोच तुमने जनरेट की है आफ्टर माई क्लासेस वो तुम्हारे में नहीं रही होगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ बार बार कि मैं सिकंदर हूँ, बट मैं जानता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि जो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे आसपास बेसिकली है क्या, समझ में आ रही है बात। एनीवे, सो ये चर्ट का नाम हथियारों को बनाने के लिए, शार्प स्टोन टूल्स बनाने के लिए चर्ट का यूज करते थे, ये एक बात ध्यान रखना। देन मूविंग टू द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सिंधु सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, कि क्या कोई राजनीतिक संगठन था, क्या कोई रूलिंग क्लास था, क्या कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, क्या कोई संविधान जैसे नियम कानूनों का संग्रह था, क्या कोई शासन करने की पद्धति थी, इस पर जरा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं निष्कर्ष बता दूं कि जो भी हमें अवशेष मिले हैं उससे ऐसी किसी बात की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, एक डेफिनेटली बिजनेस क्लास था, एक एंटरप्रेन्योर क्लास था, ठीक है, एक रिचर क्लास था, और ये बात प्रमाणित उस चीज से होती है जब हम टाउन प्लानिंग में, ठीक है, उस एक्रोपोलिस की बात कर रहे थे या फिर सिटाडेल की बात कर रहे थे, जो पूरे शहर का एक ऐसा हिस्सा था जो बाकी शहरों के भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ था। सो एक क्या कहते हैं, अभिजात वर्ग तो था, एक रिचर क्लास तो था, ठीक है, बट किसी तरीके की बहुत ज्यादा कास्ट बेस्ड या रिजिड वर्ण प्रथा ऐसी कोई चीज नहीं देखी गई। ये सोसाइटी वॉज इगैलिटेरियन, किसी प्रकार की राजनैतिक पद्धति, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, अ टाइप ऑफ रूल, ऐसी किसी प्रकार का हमें अवशेष, किसी प्रकार के प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं मिली है, ये तो हमें ध्यान में रखना है। बट हाँ, समवेयर डाउन द लाइन ऐसा जरूर एक कंक्लूजन हिस्टोरियंस के द्वारा निकाला जाता है या माना जाता है कि प्रोबेबली ये रूलिंग कुछ लोग जो रिचर जो अभिजात वर्ग थे, वैसे कुछ लोग मिलजुल कर इस समाज को चलाते थे, ठीक है, जिनके पास पैसे थे। रिचर मतलब वो बेसिकली कौन हो सकते हैं, व्यापारी ही हो सकते हैं, बिकॉज व्यापार वर्ग काफी फ्लरिशिंग था, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके का रिजिड या हार्ड कोर डिविजन ऑफ लेबर, कास्ट बेस्ड या कम्युनिटी बेस्ड, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। सोसाइटी वॉज एब्सोल्यूटली इगैलिटेरियन, रिलीजन का भी कोई हार्ड कोर कंसेप्ट हमें नहीं मिला है, ठीक है,
गॉड का भी कोई बहुत भयानक प्रमाण हमें नहीं मिला है, सब बातें अब समझ चुके हो आप, ठीक है। सो एक बात जरूर ध्यान में रखना कि इसके बाद जब वैदिक सभ्यता शुरू होगी तो वो चीजें जब आएंगी हमारे साथ सामने, भगवान आने लगेंगे, बहुत सारी बातें नई नई आने लगेंगी, तो वहां से फिर हमें कैसे सोचना है, वेट फॉर दैट क्लास, अगली क्लास ही वैदिक सभ्यता की क्लास होगी। एक नया सोचने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है बहुत ही मैच्योर्ड है, ठीक है, टूटी फूटी इंस्टॉलमेंट में किस्तों में यहां से वहां से कुछ भी उठा पुठा के तुम सोच रहे हो, ठीक है। जस्ट वेट फॉर दैट क्लास कि यहां से जो मेकओवर होगा, जो चेंज होगा, वो कैसा होगा, वी शैल डू व्हेन वी शैल स्टार्ट द आर्यंस और द वैदिक कल्चर राइट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। लेकिन तब तक खुद से कुछ सोचना मना है। कुछ लोग मिलजुल के ओलिगार्की, ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, ठीक है, ओलिगार्की का मतलब होता है रूल ऑफ फ्यू पीपल। सो वो फ्यू पीपल कौन हो सकते हैं, वही व्यापार वर्ग, अभिजात वर्ग, जिनके पास पैसे वगैरह थे, वो लोग मिलजुल के इस समाज को चलाते थे, ऐसा एक मोटा मोटा कंक्लूजन जरूर रखा गया है। अदरवाइज किसी शासन व्यवस्था की, किसी राजनीतिक व्यवस्था का किसी प्रकार का अवशेष हमें हड़प्पा की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, तो फिर संविधान कहां से, संविधान की बात कहां से कर लें, ठीक है। किस प्रकार के लोग फिर देख लो, ये सब तो पता है। क्लासेस कैसे थे, तो प्रिस्ट शायद थे, ठीक है, तबीज वगैरह, ब्यूरियल राइट्स वगैरह, ठीक है, फायर ऑल्टर्स की प्रेजेंस, शायद से साधु मुनि का कल्ट था, व्यापार वर्ग था, क्राफ्ट्समैन थे, पीजेंट्स थे, लेबरर्स थे, ठीक है, अमंग देम पीजेंट्स दैट इज किसान, ट्रेडर्स एंड लेबरर्स फॉर्म द मेजॉरिटी, मतलब थे, डिविजन ऑफ लेबर था, डिविजन ऑफ लेबर के बिना समाज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। श्रम का विभाजन था कि तुम कुम्हार हो, तुम कृषि हो, तुम श्रमिक हो, तुम व्यापार, लेकिन किसी तरीके की उन लोगों में ऊंच नीच वाली भावना नहीं थी, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मल सी बात है, एक इंसान हर काम कर नहीं सकता है, और जब एक इंसान हर काम नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उसे हर चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मेरे को चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, जूता भी चाहिए, और सब मैं खुद से, तो डिवीजन ऑफ लेबर, जो श्रम का विभाजन है समाज में, वो तो बिल्कुल एक प्राकृतिक आवश्यकता, इज द नेचुरल रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। लेकिन वही डिवीजन ऑफ लेबर जब कास्ट बेस्ड बन जाए, या उनमें इंफेरियोरिटी और सुपेरियोरिटी की फीलिंग आने लगे, उनमें स्ट्रेटिफिकेशन दिखने लगे, एक सामाजिक विखंडीकरण दिखने लगे, डिसइंटीग्रेशन दिखने लगे, तो दैट इज बेसिकली इनइक्वालिटी विच इज बैड। अदरवाइज डिवीजन ऑफ लेबर को तो रोका ही नहीं जा सकता, इसके बिना तो हमारा एग्जिस्टेंस डिफाइंड ही नहीं है। सो डिवीजन ऑफ लेबर तो था ही, बट इट वॉज बेसिकली नॉट बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्किन और ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन और ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, ऐसी कोई चीज नहीं थी। द सोसाइटी वॉज एब्सोल्यूटली इगैलिटेरियन। समझ में नहीं बात, ये बात बिल्कुल समझ चुके हो। अंत में जाते जाते एक बात हम देख लेंगे कि फाइनली सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा ध्यान से देखना, इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां भी तुम्हारे दिमाग में बहुत सी उलूल जुलूल सी बातें हैं। सो देखो, गॉर्डन चाइल्ड साहब हो या व्हीलर साहब हो, अलग अलग विचार सबने दिए हुए हैं। दिस इज गॉर्डन चाइल्ड या स्टुअर्ट पिगॉट है ये, ठीक है। देन यू हैव दिस ओरल स्टेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है, व्हीलर साहब, ठीक है। फिर उसके बाद फेयर चाइल्ड साहब, ठीक है, ये एस आर राव एंड मैके, मतलब सबके अलग अलग ओपिनियन है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जस्ट लिसन कि भाई एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब बाहर से आक्रमण। ये बात तुम जानते हो कि मोहन जोदड़ो को माउंट ऑफ द डेड, मुर्दों का टीला क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां से बहुत सारे स्केलेटन्स ऐसे मिले हैं कि जिसमें किसी में हाथ नहीं है, किसी में पैर नहीं है, बात डिस्कस हो चुका है। दैट मीन्स एक्सटर्नल एग्रेशन तो हुआ था, ठीक है, इतना तो जरूर तय है। अनस्टेबल रिवर सिस्टम, नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, भूकंप, नदियों का सूख जाना, इकोलॉजिकल दैट इज पारिस्थितिकी में असंतुलन, डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड विद मेसोपोटामिया और फ्लड। कुल मिला के मोटा मोटी सारी बातें कह दी गई हैं कि आर्यों के आक्रमण, आर्यनों के आक्रमण से लेकर प्राकृतिक आपदाओं ने, सूखा, भूकंप और मेसोपोटामिया सभ्यताओं की से व्यापार में अचानक कमी आ जाने से ये सभ्यता अचानक से कोलैप्स हुई है। देखो इसको संतुलित रूप में कैसे दिया जा सकता, कहा जा सकता है। देखो प्राकृतिक आपदाओं से इसका विनाश हुआ है, ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज से, ये सबसे ज्यादा सर्वसहमति वाला स्टेटमेंट है, दैट इज कैनेडी साहब का है, ठीक है। अब प्राकृतिक आपदाओं में भी क्या, फ्लड की भी बात की जाती है, नदियों के सूख जाने की भी बात की जाती है, ठीक है, और बाढ़ की भी बात की जाती है, वो सब प्राकृतिक आपदाओं के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। सो एक बात तो तय है
कि एक हजारों लाखों स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता बाढ़ से तो नहीं डूब सकती है। हद अजीब सा नहीं लग रहा? नदी तो एक शहर को नहीं डूबा पाता, लाखों स्क्वायर किलोमीटर दो तीन देशों में फैली हुई सभ्यता को कैसे डुबाएगा? दूसरी बात, ऐसी क्या प्रकृति का आपदा हो सकती है भाई, ऐसी क्या प्रकृति का आपदा हो सकती है कि भाई तीन देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आधा भारत, फैली हुई सभ्यता खत्म हो जाए। अच्छा, 2500 से 1500 बीसी तक आप पहुंच चुके हैं, 2500 से 1500 बीसी में आप हैं, होलोसीन पीरियड है, प्लेस्टोसीन खत्म हो चुका है। जिस जलवायु परिवर्तन की आप बात करते हो वो 7 दिन और 10 दिन और 1 साल और 2 साल और 10 साल का तो खेल होता नहीं है। ऐसा कौन सा जलवायु परिवर्तन हो जाएगा भाई इतनी जल्दी की एक सभ्यता खत्म हो जाएगी? ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, कि हर जगह अधूरापन है। आपको अपने स्टेटमेंट्स में कंक्लूजन, एक संतुलन लेके आना है कि कैसे। तो आपको ऐसे, अच्छा, मोहनजोदड़ो से फिर वैसे स्केलेटन्स क्यों मिले? तो आपको डेफिनेटली, चाहे आपका राइटिंग हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो, आपको ऐसे ही बोलना है कि प्राकृतिक आपदाओं से ये फाइनली खत्म हुआ था, ये तो तय है, ठीक है। साथ में आर्यों के आक्रमण भी एक बहुत वास्तविक सत्य है, होना है। लेकिन फिर वही बात है ना कि आर्यंस भी अचानक से 5000 सुखोई विमान में 500,000 लोग तोप और गोला लेके तो नहीं आ जाएंगे ना कि इतनी दूर तक फैली हुई सभ्यता को अचानक से खत्म कर देंगे। आर्यंस भी आराम से धीरे धीरे करके आने वाले लोग थे, एक साथ कैसे आ सकते हैं? और एक साथ अगर नहीं आ सकते हैं तो एक साथ पूरी सभ्यता को कैसे खा सकते हैं? समथिंग लाइक दैट। अच्छा, बाढ़ कैसे डुबा सकती है भाई? बाढ़ एक नदी को नहीं डुबा सकती। भूकंप कैसे तीन देशों में फैली हुई सभ्यता को खत्म कर सकता है? इट इज ज्योग्राफिकली अनरियलिस्टिक। तो कहने का मतलब, आपको संतुलन कैसे रखना है? संतुलन ये रखना है कि प्राकृतिक आपदाओं, वो बाढ़ भी हो सकता है, वो भूकंप भी हो सकता है, वो हैजा और महामारी जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक है। प्लस आर्यों का आक्रमण तय है, वो तो था उस समय, क्योंकि आप आर्यंस की पढ़ाई राइट फ्रॉम 1500 से 600 बीसी में करने लगते हो, ठीक है। तो उनसे तो भाई इनका हुआ है क्लैश, और मोहनजोदड़ो प्रमाण है, और वैदिक साहित्य या जो वैदिक सभ्यता हम पढ़ेंगे ना अगली क्लास, उसमें तो ये बात तुम्हें दिखने लगेगी। प्लस, ठीक है, आर्यों का आक्रमण, दैट इज एक्सटर्नल एग्रेशन और नेचुरल क्लैमिटीज, दोनों को मिला जुला के आपको कहना है, और दोनों को इसी तरीके से संतुलित रूप में आपको प्रस्तुत करना है। ये नहीं कहना है दोनाली सर पे रख के कि मेरे को पता है कि बाढ़ से डूबा था। अबे बाढ़ से 2.5 देशों में फैली हुई सभ्यता डूब जाएगी? सब हुआ है, आर्यों का आक्रमण भी हुआ है, भूकंप भी आया है, बाढ़ भी आया है, हैजा महामारी जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, सूखा भी हो सकता है, नदियों का सूखना, सबने मिला जुला के अचानक से सभ्यता को धीरे धीरे खत्म किया है, और पैरेलल में एक सभ्यता पलना बढ़ना शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे ये पतन में जाती गई, वो सामने ऊपर की तरफ उठती चली गई, एंड दैट इज नथिंग बट द वैदिक सिविलाइजेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस तरीके से इसे दिमाग में रखना है, समझ में आ रही है बात? सर, दीज टाइप्स ऑफ डिजीजेस कम्स इन आफ्टर एवरी 100 ईयर्स। पूजा, ये तुम्हें किसने बता दिया कि हर 100 साल में ही आते हैं? मतलब ये नियम कहां से पढ़ा हुआ है कि 100 साल में ही आते हैं? अजीब सी बात है। सो गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता हमारा खत्म होता है। नए लोगों को बता दो कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, फिर से एक बार देख लेना, जुड़ो, इससे बहुत मदद मिलेगी, ये तो गारंटी है, ठीक है, कि अगर बहुत कुछ अच्छा मैं तुम्हारे लिए नहीं कर पाऊँ तो बुरा तो मैं कभी नहीं हो सकता, दैट्स माई वर्ड टू यू, लेकिन सहायता मेरे से ज़रूर मिलेगी इन दिस जर्नी ऑफ द प्रिपरेशन, दैट्स माई वर्ड टू यू। सो रिमेंबर दिस टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ अभिषेक _अकेडमी, एंड दिस इज माई एडुकेटर कोड। फिर से बता दूंगा, ये 45% वाला जो ऑफर है, प्लीज़ इन चीज़ों का फ़ायदा उठा लो, आज अंतिम दिन है, ठीक है। सो अभी भी अगर लोन जैसी फैसिलिटी या फिर क्रेडिट कार्ड से EMI वगैरह कैसे लेते हैं, इन पर कहीं से भी कोई डाउट हो तो मेरे को प्लीज़ आप लोग इंटीमेट कर सकते हो, विल हेल्प यू इन गेटिंग दोज लोन्स अप्रूव्ड, एंड दिस क्रेडिट कार्ड वाली फैसिलिटी पर भी, ठीक है, आप लोगों को मेरे से मदद मिलेगी और बहुत आसानी से ये सफ़र आपका आगे निकल जाएगा। तो ये 45% ऑफर है, ऐसी चीज़ें मैं कहता हूँ कि छोड़ना मत। यान अकेडमी प्रॉमिस भी 14 जुलाई तक है, अगर 2 साल या 2 साल से अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अन अकेडमी तब तक आपके साथ है जब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। देन यू हैव दिस 80 टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज है जो सब्सक्रिप्शन में आपके साथ फ्री मिलेगा, आपको ये किताबें मिलेंगी, आपको वो सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे, ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन उसमें इंक्लूडेड होगा अपार्ट फ्रॉम द PT एंड मेन्स ऑफ द GS। 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, दैट इज प्लस एंड आइकॉनिक। आइकॉनिक बेसिकली और प्लस में इतना ही फर्क होता है कि आइकॉनिक में आपको आंसर राइटिंग और मेंटर की सहायता मिल जाती है, लेकिन नॉर्मल सी बात है, आप सब्सक्रिप्शन कोई भी ले सकते हो। अगर प्राइसिंग की बात करें
तो प्लस 49,500 अगर 12 सालों का है, 44,550 तो आइकॉनिक डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा है, दैट इज 67,050. लेकिन अभी जो ये 45% वाला ऑफर है उसमें एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन विथ ऑल दोज फैसिलिटीज लगभग इतने में ही हो जाता है, तो काय का छोड़ना ऐसे. और हाँ, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको मेरे मेंटरिंग की फैसिलिटी जरूर मिलेगी. मतलब वो मेरा एक प्रोफेशनल राइट है और मैं बहुत ज़्यादा भरोसा रखता हूँ. मैं भले ही मेरी एक क्लास डिस्टर्ब जरूर हो जाए, लेकिन मैं मेंटरिंग वाला काम, जूम मीटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ. बिकॉज मुझे लगता है कि पढ़ाई के पैरेलल में वो काम, ठीक है, करना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई डू दैट. सो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो आपको मेंटरिंग की ऑटोमेटिक फैसिलिटी वो मेरी तरफ से मिलेगी. दैट्स माई वर्ड टू यू. देन 14 जुलाई से बैचेस सारी शुरू हो चुकी हैं. वी आर ऑल्सो गोइंग टू कम विथ लाइक मैनी न्यू थिंग्स ऑन द प्लस. हमारी क्लासेस भी बड़ी अच्छी चल रही हैं. और अब अगर फिर भी किसी को किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो अनअकैडमी कॉम्बैट जैसी चीज़ों का फायदा उठाओ. मेरा कोड यूज़ करो, दैट इज AR101. एक्सेस पाओ, स्कॉलरशिप जीतो, इन फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह का फायदा उठाओ और आगे बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो, नियत बनाए रखो, कोशिश करते रहो. ऑल आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है. सो दैट्स ऑल गाइस अबाउट द सिंधु घाटी सिविलाइजेशन. सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के बारे में इतना ही. कल वैदिक सिविलाइजेशन या आर्यंस की दुनिया हम शुरू करेंगे. सो लाइक टू होप टू सी यू देयर इन दैट क्लास. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. ओके, टाटा, बाय बाय.